I think all films are made for the box office. I've never believed in art and commerce and any other kind of cinema. But yes, if there are different categories, that is for the jury to decide. And if they've decided, then I don't want to question them. Also, how significant is it? Every award is most welcome. It makes you feel wanted. That's some of the things that most artists look out for. I'm happy that there are a group of people that think that I'm worthy of an award. But I think that for this film, even if I was not to get an award, I would have been very happy with the way the film turned out and the kind of work that it challenged me with. नहीं नहीं भारत रत्न के काबिल नहीं हूँ मैं क्या अब तो ये बनाने वालों के ऊपर है कि वो मेरे लिए किस तरह का रोल लिखेंगे. अगर वो कुछ अच्छा सा रोल लिखेंगे तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ. अभी काफ़ी दिनों से फिल्म साइन नहीं की थी, अब साइन की है तो आगे देखें क्या होता है. जी 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 हाँ जी जी इस पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है. तीन चार लोगों के साथ हम लोग मिलजुल करके कहानियाँ बना रहे हैं और बहुत शीघ्र ही उसका अनाउंसमेंट. Yeah, it's actually five times because there are four people connected with PA and then now Delhi 6. So I want to congratulate Rakesh for making a wonderful film. And he's always been a person very close to my heart with the kind of thinking that he has and the kind of films that he's making. I don't know whether it's right to say it now, but I'm doing his next film, which is being directed by his assistant, Sunil. And I do look forward to working with him again. क्या कह सकते हैं इसमें, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे शब्द हैं. जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा हुआ. जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का पक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां, जाऊं किस जां, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में. तो आज का ये पुरस्कार मेरे लिए एक धक्का है ताकि मैं इस रेले में और बह सकूं. हाँ कुछ नहीं था वो तो. उसके बारे में मालूम नहीं है मुझे. जी जी ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, क्या कह सकता हूँ मैं. धन्यवाद देता हूँ मैं ईश्वर को कि उन्होंने हमेशा हम सबको बहुत ही दया बख्शी है. ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है, बाबूजी माँ जी का आशीर्वाद. जी जी यही जया भी अभी यही कह रही थी कि एक बेटे होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया और जिस तरह से उसको निभाया, हम सबको ज़्यादा खुशी उसमें होती है. उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो हर दूसरे तीसरे साल जीतते रहते हैं, लेकिन अभिषेक के लिए उनको ज़्यादा खुशी. धन्यवाद.